आज सुबह सुबह मैं छत पर आता हूँ फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड में फूलदेई नामक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में छोटे छोटे बच्चे घर की दहली पर रंग बिरंगे फूल बिखेरते हैं, जिसके बदले घर के लोग बच्चों की डलिया में गुड़, चावल या पैसे डालते हैं। हमारे घर पे फूल डालने आया था ये मासूम बच्चा। अब अपने घर का सबसे छोटा मैं हूँ, तो मैंने भी अपनी दहली पे फूल डाले, लेकिन मम्मी ने मुझे पैसे नहीं दिए और गुजिया गर्म करने का काम दे दिया। और फिर मुझे याद आया कि बस फूल दिखने के लिए कल मैंने स्ट्रॉबेरी खरीदी थी, क्योंकि मुझे जानना था कि आखिर ये स्वाद में होती कैसी है। इसे खाते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे 150 रुपए हो गए। दोपहर में आइसक्रीम वाला हीम क्रीम लेके आया और इसे सबने धूमधाम से खाया, मेरी तो जीभ भी हरी हो गई। और फिर मैं गया अपना धर्म निभाने हबड़ू को पढ़ाने। यहाँ ये मौन आसन में बैठकर प्लास्टिक मतलब कुरकुरे खा रहा था। क्या बात है जी, एक्टिंग की बात। पढ़ाई करके हम आ जाते हैं हबड़ू को आटा लेने। घर पहुँचता हूँ तो पड़ोस से पार्टी का न्योता आया होता है, जहाँ जाकर मैं ये सोच रहा होता हूँ कि मेरे उम्र के लोगों को IIT में स्पीच देने के लिए इन्वाइट किया जा रहा है, और एक मैं हूँ जिसे पड़ोस वाले बच्चों की बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया जा रहा है।